बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बीती रात को भेड़ियों ने तीन जगह पर हमले किए जिनमें 3 साल की मासूम को भेड़ियों ने मार डाला। वहीं एक बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बच्चों पर हमला किया और उसके अलावा गांव में घूमता हुआ भी देखा गया, एक महिला को भी शिकार बनाया। इसके अलावा अमावस की रात का जो खतरा है वो मंडरा रहा है और साथ ही कई ऐसी तस्वीरें जो अभी तक कैद की गई हैं वो हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जिन भेड़ियों को टीम ने रेस्क्यू करके पकड़ा है उनकी तस्वीरें भी टेलीविजन स्क्रीन पर, और दो भेड़िए अभी जिनकी तलाश जारी है। और भेड़ियों को देखने वालों का दावा है कि दो भेड़िए हैं जिनमें एक लंगड़ा है और दूसरा काफी तगड़ा है और तगड़ा वाला शिकार कर रहा है और लंगड़ा भेड़िया उसके पीछे पीछे रहता है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि लंगड़ा भेड़िया झुंड का सरदार है तो वहीं तगड़ा भेड़िया अल्फा है और तेज और चालाक शिकारी है। ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में आदमखोर भेड़िये ने अलग अलग जगह तीन हमले किए। इन हमलों में एक बच्ची की जान चली गई। दूसरे हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल है। सीतापुर में भी भेड़िये ने बच्चों पर हमला किया। बच्चों को बचाने के लिए माँ ही भेड़िये से भिड़ गई। बहराइच में गरेठी गुरदत्त पुरवा की रहने वाली नीरू की 3 साल की बेटी अंजलि को भेड़िया उठा ले गया। अंजलि की मां नीरू ने बताया कि अंजलि अपनी 3 बहन और एक भाई के साथ घर के अंदर चारपाई पर लेटी हुई थी। भेड़िया आया और चारों में से अंजलि को उठा कर ले गया। उठती है बच्चा, हमारे 3 सोए गए। इसके बाद बच्चा को अपने लेके, छोटा एक बच्चा 6 महीना की बच्ची हमारी है उसको लेके पहुंच रहे, सोए गए ना आंखें लाग गए साहेब। उतनी देर में आवा जानवर उठा लिए घर माँ से खींच ले गो, पीछे भागे तो कतरिया खट गवा ना ही पावा बच्चा कम नहीं है रे। हाँ बच्चा रो आवत है सब घर ही आ रहा कर रहा है बच्चा खमरे। तो कहाँ लेटी रहे हो आप? घर माँ लेटे रहा ना, ये पलका पा ये घर माँ ये खटी, अब 4 बच्चे रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 भेड़िए आए थे, एक लंगड़ा था और एक ठीक था। जो भेड़िया लंगड़ा और ताकतवर था उसने हमला किया और बच्ची को दबोच लिया, जबकि लंगड़ा भेड़िया उससे पीछे था। जानवर सर ये कुत्ता से 1.5 गुना ज्यादा होता है, कुत्ता से 1.5 गुना ज्यादा है। ये भेड़िया हम पहचानते हैं, भेड़िए है, हम ढंग से देखे हैं, 2-1 बार मोबाइलों में भी देखे करते हैं और न्यूज पे भी देखे हैं। ये भेड़िए है सर, 2 भेड़िया साथ में थे, एक लंगड़ा था और एक सादा था। तो लंगड़ा वाला कुछ नहीं लेके निकला, पीछे से निकला वो, और जो वो ठीक था वो पहले आगे निकल गया था और पीछे जो लंगड़ा था वो पीछे पीछे गया है और उसको खेदे भी। ये लड़की जो जिसकी लड़की जो मरी है उसका बाप कमल उसको पीछे पीछे काफी दूर तक खेदे। भेड़ियों के लगातार हमले से गांव वालों में प्रशासन और वन विभाग की टीम को लेकर काफी गुस्सा है और वो जल्द आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ एक वही कम से कम 1.5 घंटे के अंदर अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भी रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस बाहर से घूम रहे हैं, बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं ना कुछ। जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है, अभी उसका नाम बताया था मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हैं। वो एक पैर से विकलांग है, एक सही, 2 हैं इधर की तरफ, 2 आए हैं। तो आप लोगों ने देखा? जी निशान है सर, अभी जो जब निकले हैं उससे एक मात्र 10 मिनट का निशान भी हमारे पास है, पूरी वीडियो भी है। ये कौन सा गांव है? थैलिया है, जी बिल्कुल पूरा भाई है सर, ये तो 10 अगस्त 10 मार्च से चल रहा है सर ये तो। जी जी पूरा भाई है सर, अभी कल शाम को रात में 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया, उसके दोनों हाथ खा गए गरेठी में गुरदत्तपुर में। जी जी पूरा खौफ है सर इसके लिए। तो प्रशासन क्या कर रहा? प्रशासन कुछ नहीं है सर, प्रशासन बैठा हुआ है, रिलैक्स, प्रशासन बैठा हुआ है सर। हमने पूरा वीडियो प्रशासन का भी बना के रखा है, हर एक चीज का बना के रखा है। आदमी जनता 1 घंटे से इधर खड़ी, लेकिन कोई प्रशासन उतर ही नहीं रहा है। लेकिन ड्रोन तो ड्रोन के उड़ने से क्या होता है? ड्रोन में बोल रहे हैं कि सियार है, कुछ नहीं है ये तो। बहराइच के मैसी के नवन गरेठी में अपनी माँ के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को रात करीब 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसकर उठा कर ले गया।
मासूम बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन उठ गए और भेड़िये को घेर लिया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गया। इस घटना के बाद से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज 18 की टीम ने लोगों से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मौके पर थे। दादा, क्या हुआ था, कैसे भागा भेड़िया, यहाँ तक कैसे पहुंचा? गन्ने में गाथा कर रहा है। हाँ। तो चमड़ेल आदमी रहा है, ये तरफ जाल लगा होता है, तो जाल कोना पर जो पहुंचा देते तो वहाँ फंस जाता। तो लेकिन कोई गोला दाग दे रोड पर, हम बार भाग कर निकल गया, रास्ता पे गया। बच्ची को मुंह में दबाया था उस समय? बच्चे तो ये छीन लेने तेरे को खाई थे। जैसा कि आपने सुना कि बाकायदा वो यहाँ पर बच्ची को खाते हुए नजर आया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई। इस दौरान गन्ने के खेत में उसे घेरा गया था। स्थानीय लोगों को कहना है कि जो जाल था वो छोटा पड़ गया, जिसके चलते वो भाग गया। लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरह कभी आपने घटना देखी कि 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी तक कोई भेड़िया ले गया हो? हाँ, इससे पहले तो घटना हुई है, जो यहाँ ग्राम पंचायत कुटिया पड़ता है, वहाँ पर एक गांव भटौली पड़ता है, वहाँ पर भी बच्चों को खाया उसने, तो वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली थी। ऐसा वन विभाग के कर्मचारियों ने भी बताया और जो वहाँ के फुटेज ली गई उसमें भी ऐसा दिखाया गया। आदमखोर भेड़िये ने 12 बीघा गाँव में घर के अंदर चरपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला किया, उन्हें कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया बुजुर्ग को छोड़कर भाग गया। महिला के गले और कान पर गंभीर चोट आई है। जी, इसको तो 100% भेड़िए ने किया है। एक वृद्ध महिला, इनका नाम फूलमती था, तो करीबन 12 बजे की हाल है, तो ये दरवाजा बंद करके सोई थी। दरवाजा इनको खोल के, अंदर से बिल्कुल ढका हुआ था दरवाजा, खोल के चारपाई खींच कर, चारपाई भी खींच रहा था। जब चारपाई अंदर अड़ गई दरवाजे में, तब वो निकला है। यहाँ पे एक निशान है दांत का, बहुत ज़्यादा बड़ा, करीबन 3 इंच का, और यहाँ कान, ये पूरा कान है ही नहीं उसका। तो गंदा लगा। उसके बाद हम लोग फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाए, CSC महसी ले गए, वहाँ से रिफ़र किया बहराइच लेके गए। हालत उनकी गंभीर है काफ़ी ज़्यादा। विभाग आते हैं, इधर उधर गश्त लगा के चले जाते हैं, पकड़ते नहीं। जब देखा गया, कल अभी रात का मेरे पास एक वीडियो है, कल रात में हमने खुद देखा है। 12 बजे करीबन महसी जा रहे थे इनको एडमिट करवाने के लिए, तब देखा हमने, तो वीडियो उसका रात में बनाए हैं, मोटरसाइकिल चलते चलते वीडियो बना है। अब लोग कहते हैं, जब देख लेते हैं ड्रोन से, तो बोलते हैं CR है, ये नहीं है, उसको भगा देते हैं गोला दाग के। वो लोग पकड़े तो पकड़ जाए, हम लोग भी मदद करेंगे इसमें, लेकिन वो पकड़ते नहीं इसको, पता नहीं क्यों। वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग की लोगों से अपील है कि दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके सोएं या फिर छतों पर सोएं। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। जिन गांवों में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए, वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें, पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है, वन विभाग भी कार्य कर रहा है, और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोएं या छतों के ऊपर सोएं, कोई खुले में ना सोएं। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जब तक जो ये भेड़िए हैं जो नरभक्षी टाइप के हो चुके हैं, तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते, तब तक विशेष रूप से सचेत रहें, और बाकी वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िये के आतंक से लोगों में दहशत तो है ही, अब गुस्सा भी है। लगातार भेड़ियों के हमले से आसपास के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों का दावा है कि उन्होंने भेड़िये जैसे जानवर को देखा है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की टीम सिर्फ ड्रोन उड़ा रही है और CR देखे जाने की बात कह रही है। यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, ठीक है, भेड़ियों को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। कुछ लोगों ने यहाँ से फोन किया था जब गया था यहाँ से, ठीक है, 1.5 घंटे बाद यहाँ प्रशासन आया है। इसके बाद यहाँ ये कह रहे हैं, ये कहकर यहाँ टाल रहे हैं कि अभी ये जाल लगाया जाएगा, ड्रोन से देखा जाएगा। कोई कह रहा है इसमें CR है, कोई कह रहा है कुछ है, जबकि यहाँ से दिखाया गया है जो टीम एक्सपर्ट निशान उन लोगों ने बताया दिखाया था, तो वो बोल रहा है कि भेड़िया का है। और इसके बाद भी यहाँ चुस्त दुस्त सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं।
कितने देर पहले देखा गया? डेढ़ घंटे के बाद पहले, डेढ़ घंटे। तो यहाँ तो वन विभाग लगा पकड़ने की तैयारी? वन विभाग कैसे लगा हुआ है? वन विभाग इधर कहीं बात कर रहा है, कहीं उधर बात कर रहा है। हम देख रहे हैं वन विभाग के भी देख रहे हैं, कहीं इधर बात कर रहा है, कहीं उधर बात कर रहा है, और कह रहा है ज्यादा अगर कुछ करोगे मुकदमा लिखवा देंगे तुम्हारे पे। ड्रोन तो उड़ा रहा है ना? ड्रोन उड़ा रहा है, ड्रोन से क्या मतलब है भाई? ड्रोन तो देख रहे हैं वो ड्रोन से, बाकी ड्रोन पकड़ने जाएगा थोड़ी, पकड़ने थोड़ी जाएगा। सरकार ने भेड़ियों को हमलों को आपदा घोषित किया है और पीड़ितों के लिए हर संभव मदद के लिए भी कहा है। सीएम योगी ने वन मंत्री से कहा है कि वन विभाग के कार्मिकों को पैराई, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में लगाएं, सभी विभागों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी करें। भेड़ियों के हमलों का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। अफसरों को सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने हर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। भेड़िए पकड़े जाएं, हमलों को रोका जाए, सुरक्षित कैसे रहना है लोगों को बताएं, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। बहराइच के मैसी इलाके के भेड़िए के हमले की बात करें तो 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं वन विभाग पिछले 10 दिनों से 18 टीमों के सहारे इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान चला रहा है। बहराइच से अखिलेश कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कि गांव के लोगों में काफी गुस्सा है। वो वन विभाग की टीम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं वन विभाग का दावा है कि भेड़ियों का आतंक जल्द ही खत्म होगा। भेड़िए लगातार अपनी मूवमेंट बदलते जा रहे हैं, जिससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजीव ने। नवन गरेठी गांव में आज तड़के सुबह एक बच्ची को उठाकर हमला करने वाला ये भेड़िया कितना शातिर और ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो ये घर है यहाँ से भेड़िया उस बच्ची को अपने जबड़े में दबाता है और फिर ये जो रास्ता, ये जो झाड़ियां आपको दिख रही हैं, यहां से ले जाता हुआ ये सामने स्थित 200 मीटर पर जो खेत है सबसे पहले वहां ले जाता है। उसके बाद गांव वाले वन विभाग को सूचना देते हैं और वन विभाग की टीम जब ड्रोन कैमरा लेकर यहां पर पहुंचती है तो वो वहां पर उस बच्ची को जबड़े में दबाए दिखता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन उसके नजदीक जाता है वो ड्रोन की आवाज सुनकर उस बच्ची को लेकर और आगे चला जाता है और फिर 1.5 किलोमीटर दूर उसे छोड़ता है। तो ऐसे में वो दूरी हम आपको दिखाएंगे इस बाइक से चल के, क्योंकि वहां गाड़ी से जाने का रास्ता नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आदमखोर भेड़िया है ये गरेठी गांव से एक मासूम बच्ची को अपने जबड़े में दबाकर भागता है और करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित इस थैलिया गांव के इसी धान के खेतों के बीच में अंत में छोड़कर भाग जाता है। जब ड्रोन कैमरे उसको मॉनिटर करते हैं, ड्रोन की आवाज सुनता है और उसको लगता है कि अब शायद वो पकड़ जाएगा, तब जाकर वो यहीं पर बच्ची को मृत अवस्था में छोड़कर भागता है। हालांकि इस दौरान वन विभाग की टीम कोशिश करती है कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नाकामयाब हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मौके पर थे। दादा, क्या हुआ था, कैसे भागा भेड़िया, यहाँ तक कैसे पहुंचा? गन्ने में गाथा कर रहा है। हाँ। तो चमजल आदमी रहा है, ये एक तरफ जाल लगा होता है तो जाल कोना पर जो पहुंचा देते तो वहां फंस जाते, तो लेकिन कोई गोला दाग दे रोड पर बार भाग कर निकल गया रास्ता पे गए। बच्ची को मुंह में दबाया था उस समय? बच्चे तो ये छीन देने तिलको खाई थे। तो जैसा कि आपने सुना कि बाकायदा वो यहाँ पर बच्ची को खाते हुए नजर आया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई। इस दौरान गन्ने के खेत में उसे घेरा गया था। स्थानीय लोगों को कहना है कि जो जाल था वो छोटा पड़ गया, जिसके चलते वो भाग गया। लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरह कभी आपने घटना देखी कि 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी तक कोई भेड़िया ले गया हो? हाँ, इससे पहले तो घटना हुई है, जो यहाँ ग्राम पंचायत कुटिया पड़ता है, वहाँ पर एक गांव भटौली पड़ता है, वहाँ पर भी बच्चों को खाया उसने। हाँ। तो वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली थी। हाँ। ऐसा वन विभाग के कर्मचारियों ने भी बताया और जो वहाँ के फुटेज ली गई उसमें भी ऐसा दिखाया गया है।
तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सातिर है, वो कितना ताकतवर है कि 5 से 6 किलो वजन के बच्चों को भी वो कई किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है उनको। और यही कारण है कि गरेठी गांव में भी जब आज तड़के सुबह उसने एक बच्ची को शिकार किया तो बगल में लेटी उसकी माँ को भनक तक नहीं लगी, और फिर वो जब घेरा गया तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद तक जब तक उस पर बहुत दबाव नहीं पड़ा, जब उसे लगा कि अब वो पकड़ जाएगा तब जाकर वो मारने के बाद उस बच्ची को फरार हो गया। ऐसे में वन विभाग की टीम अब लगातार प्रयास कर रही है कि इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए ताकि इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को खत्म किया जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या वन विभाग की टीम अपने इस मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो पाएगी या फिर अभी उसे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, News18 बहराइच। News18 पर एडीजी जोन गोरखपुर का कहना है कि बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की कई टीमें भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए बाहर से एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। इस तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन हमारा पहले से ही चल रहा है और उसको और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करके इसको चलाया जाएगा। बाहर से भी हम एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं और जल्दी ही हमें इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। सीतापुर में भी ग्रामीणों का दावा है कि भेड़ियों ने हमला किया है और महिला खुद घायल हो गई है, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए भेड़ियों से भिड़ गई। वहीं वन विभाग का दावा है कि उन्हें भेड़िए होने के अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जंगली जानवरों का यह हमला सियार जैसे जानवर का हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीतापुर में भी भेड़ियों ने हमला किया है। इस बार एक बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां भेड़ियों से ही भिड़ गई। हरगांव थाना क्षेत्र के परसेहरा शरीफपुर का ये मामला है। बच्चों पर जब भेड़िये ने हमला किया तो बच्चों को बचाने के लिए उनकी मां ही भेड़िये से भिड़ गई। भेड़िये के हमले में महिला घायल हो गई। भेड़िये ने सोते हुए बच्चों पर हमला किया था। गाँव के 3 और लोगों पर भी भेड़िये ने हमला किया था। बच्चे दोनों लेटे रहे, ये लड़की थी वो लड़का पीला बनियाने वाला ही हो। हाँ। एक भैया और इससे छोटा ही, दोनों मेरे पड़ोस में द्वारे लेटे रहे। हाँ। आगे परी गए क्या था वो भेड़ा है रहा कुत्ता कैसा लंबी पूछ थी उसकी। अच्छा भेड़िया। हाँ। सीतापुर में भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव के लोग लगातार हाथ में लाठी डंडे लिए पहरेदारी कर रहे हैं। रात ही नहीं दिन में भी लोगों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। सीतापुर में जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग जहां भेड़िया होने का दावा कर रहे हैं, वहीं वन विभाग और प्रशासन की टीम जंगली जानवरों को सियार बता रही है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार यहाँ कॉम्बिंग कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बहराइच की तरह सीतापुर में भी भेड़ियों ने हमला किया है या फिर कोई और जंगली जानवर है जिसे गांव वाले भेड़िया समझ रहे हैं। News18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।